नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो हमारे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने नेम के जो क्रिएशन के लोगो होते हैं एडिटर लोगों के पास, तो आप कैसे अपने नेम के लोगो बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही पिक्सआर्ट में। तो ये देखिए, मेरे पास भी कुछ यहाँ पर लोगो हैं मेरे नेम के। ये देखिए, आप भी ऐसे लोगो बनाना चाहते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे लोगो हैं, आप भी कुछ ऐसे लोगो बनाना चाहते होंगे। तो दोस्तों, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप पिक्सआर्ट में अपने नेम के लोगो बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कई सारे लोगो हैं मेरे नेम के। दोस्तों, इस तरह से आप ऐसे ही लोगो आप भी बना सकते हैं। तो चलिए, वो आपको बनाने कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब की रेड बटन को दबाकर आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक्सआर्ट लोगो। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पिक्सआर्ट लोगो सर्च करना है। पिक्सआर्ट लोगो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस इमेजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कितने सारे क्रिएशन के आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ओनली क्रिएशन लिखा हुआ है, कोई नेम नहीं लिखा हुआ है। आपके पास कितने सारे आ गए हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं। चलिए, मैं इनको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इनको डाउनलोड करना है। मैंने इसको डाउनलोड किया और मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। फिर इसके बाद मैंने इसको भी डाउनलोड किया, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद चलिए कोई एक और डाउनलोड कर लेते हैं, कोई और दिख जाए तो। तो ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ आ गए हैं। तो इसके बाद मैंने इसको भी डाउनलोड किया, सेव इमेज। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी मेरे को मिल गया है। तो हमने इसको भी, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों, काफ़ी है सारे। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद दोस्तों, आपने जो डाउनलोड किए हैं उनको आपको ओपन करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, आपको भी इसी तरह ही डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पर ये जो भी डाउनलोड किए हैं उन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद दोस्तों आपको इसमें टेक्स्ट डालना है, आपका जो भी नेम हो आपको वही डाल देना है। तो मेरा नाम गौरव, चलिए वही डाल देता हूँ। इसके बाद सबसे पहले आपको कलर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, कलर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप सिंपल से कलर करना चाहें तो आप लोगो नहीं बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको जिस फॉन्ट में क्रिएशन लिखा हुआ है आपको वही फॉन्ट चाहिए उसके लिए, अपना नेम लिखने के लिए भी। तो दोस्तों, ऐसे आपका लोगो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको माई फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कस्टम स्टाइलिश फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों उसके लिए। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर ये माई फॉन्ट्स हैं इतने सारे, पर आपके पास माई फॉन्ट्स नहीं होंगे। तो अगर दोस्तों आपके पास माई फॉन्ट्स नहीं है तो आप प्लीज़ हमारी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे वहाँ से देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पिक्सआर्ट में कस्टम और स्टाइलिश फॉन्ट ऐड कर सकते हैं फ्री में। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कितने सारे फॉन्ट हैं। तो इस तरह है दोस्तों, आप भी ये फॉन्ट ऐड कर सकते हैं पिक्सआर्ट में। तो वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप ऐसा आप लोगों को बना पाएंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कस्टम फॉन्ट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको दिखता हूँ कि इसमें कौन सा फॉन्ट पे है ये क्रिएशन का। तो यहाँ से मेरे पास कई सारे फॉन्ट हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे मिल चुका है। ये देखिए दोस्तों, जिस फॉन्ट से क्रिएशन लिखा हुआ है वो फॉन्ट यही है। ये देखिए, इसी से क्रिएशन लिखा हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपको कलर यहीं से फिल कर लेना है। तो ये मैंने फिल कर लिया। इसके बाद आपको थिकनेस में जाकर इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देनी है। तो मैंने थिकनेस बढ़ाई और इसको यहाँ से राइट कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपके नेम का लोगो बन चुका है। दोस्तों, मैं भी इसी तरह से आपके नेम के लोगो बनाता हूँ। आपने देखा होगा, आप मेरे से कई बार कहते हैं कि आप लोगो बना दीजिए मेरे नेम का, तो मैं आपके लिए लोगो बनाता हूँ। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपके लिए लोगो बनाता हूँ।
ये देखिए गौरव की ये गन बिल्कुल रियल लग रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप चलिए अब कोई दूसरा बनाते हैं। ये देखिए आवाज क्रिएशन पर, इसके बाद वही करना है हमको, फिर से टेक्स्ट डालना है, मैंने अपना नेम डाल दिया। इसके बाद आपको कलर सेलेक्ट करना है, ब्लैक। दोस्तों आप एक को देखकर मत वीडियो को बंद कर दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक मैंने आपको समझाया है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहीं से फिर से वो फॉन्ट सेलेक्ट किया। दोस्तों इस फॉन्ट का नाम है एंड्रॉयड, जिस फॉन्ट से ये क्रिएशन लिखा हुआ है मुझे इस फॉन्ट का नाम नेम पता हुआ है, तो आपको डा फॉन्ट पर ये मिल जाएगा। इसका नाम एंड्रॉयड है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें फॉन्ट को इसको डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये उसी फॉन्ट में आ चुका है। इसके बाद ये मैंने अपना नेम डाल दिया है। इसके बाद इसमें आपको यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक नहीं करना है, इसको आपको यहाँ से सिंपली राइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें ड्रॉ खोलना है, ड्रॉ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट पर जाना है और इस पर क्लिक करके इस वाले रेड कलर को इसमें फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके इसको जूम करना है, और जूम करने के बाद दोस्तों आपको इस पर जी पर कलर कर देना है। इस पर कलर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस पर स्क्रीन कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों ये आपका बन चुका है लोगों, ये देखिए बिल्कुल रियल लग रहा है ये। दोस्तों इसी तरह से लोगों बनाए जाते हैं, तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से लोगों बनाते हैं। दोस्तों मैंने कई सारे डाउनलोड किए हैं, मैं चलिए आपको एक लास्ट और दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें यहाँ पर मैंने फिर से टेक्स्ट डाला, और इसके बाद इसका फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया। तो इसमें जो क्रिएशन लिखा हुआ है वो यही फॉन्ट है, ये देखिए दोस्तों मेरे को ये फॉन्ट मिल चुका है। तो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये अपना नेम डाला और यहाँ पर इसको राइट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करना है, और आपको कलर सेलेक्ट में जाकर फिर से आपको ये येलो कलर आपको सर्कल में फिल कर लेना है, और इसके बाद आपको फिर से जूम करके आपको इस जी पर येलो कलर को ड्रॉ करना है। तो ये मैं कर चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये डार्कन कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों अब इसको यहाँ से राइट किया, तो ये देखिए दोस्तों ये फिर से हमारा लोगो बन चुका है। दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए लोगो बनाता हूँ आपके नेम के, और इसी तरह से आप भी अपना लोगो बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल एडिटर बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लेकर कोई सवालों से जाओ तो कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आप इस नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।